मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सो वेलकम टू अवर चैनल बेसिक ज्ञान के। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सीटीपी के फॉर्म्स निकल गए हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे, मैम सीटीपी के बारे में वीडियो बनाओ, सीटीपी के अपडेट बताओ, सीटीपी क्या होगा, कब होंगे पेपर, क्या होगा, तो वीडियोज़ अब धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएंगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और जो साइट पर नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है, 31 जुलाई की नोटिफिकेशन है, वो आप जाकर देख सकते हैं। आपको साइट वगैरह मैंने सब कुछ बता ही रखा है, ठीक है। उसके अलावा में जो भी ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ओपन से, अगर जिनको 10th या 12th करनी हो वो स्टूडेंट्स। उसके अलावा में एडिशनल कैटेगरी के अंदर जो है आप अप्लाई करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप मान लो पिछले साल क्वालिफाइड थे या अभी जुलाई में भी आप क्वालिफाइड हैं बट स्टिल एक सब्जेक्ट के अंदर आपकी कंपार्टमेंट थी, तो आप उस एक सब्जेक्ट को भी देना चाहते हैं तो उस कैटेगरी में भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप पेपर दे सकते हैं सेप्टेम्बर वाले, ठीक है। सेप्टेम्बर के पेपर के लिए फॉर्म निकल चुके हैं। और उसके अलावा में बाकी जिनकी रीअपियरिंग है, जो रीअपियरिंग स्टूडेंट हैं वो भी आप पेपर दे सकते हैं। सेप्टेम्बर के लिए फॉर्म्स निकल चुके हैं। एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चा, फॉर्म के लिए एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन दे रखी है, उसके बाद एक्स्ट्रा फीस ये लोग चार्ज करने लग जाएंगे, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। आई थिंक एक हफ्ता दिया गया है जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं सीटीपी में आएंगे जो वो, और ओपन वालों को सिर्फ 3 दिन दे रखे हैं, उसके बाद में ये लोग एक्स्ट्रा फीस चार्ज करेंगे, तो आप लोगों को उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है, कोशिश करनी है कि हाँ ये चीज़ें आप लोगों को पता रहें। और चैनल पर हो, मेरे साथ बने हुए हो, तो आई होप आप लोगों को सब कुछ मैं बताती रहूँगी, तो ध्यान से। तो 3 दिन और एक हफ्ते के बाद एक्स्ट्रा फीस चार्ज करने के लिए, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फीस चार्ज करेंगे बच्चा, ये तो ध्यान से सुन लेना, ठीक है। ओपन वालों के लिए और जो नॉर्मल सीटीपी के अंदर जो पेपर देंगे, एडिशनल कैटेगरी के अंदर जो पेपर देंगे, 8 दिन के बाद जो है आपको, जैसे 900 रुपये फीस है तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देने, मतलब 1000 रुपये, और उसके 2 दिन के बाद फिर और एक्स्ट्रा फीस जो है बढ़ जाएगा अमाउंट, देन 300 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर 4 or 5 days फिर उसके बाद आपको डबल फीस चार्ज करनी है, मीन्स 1000 रुपीज़ जो है ये लोग फाइन चार्ज करेंगे, तो बहुत बढ़िया वाला ठोकेंगे ये लोग जुर्माना आप लोगों के ऊपर अगर टाइम से फॉर्म को नहीं भरते। इसलिए उठ जाओ, ठीक है, नींद में मत रहना, फॉर्म को फिलअप कर लेना फटाफट से, फॉर्म्स वाले कैफे वगैरह पे जाओ, उन भैया लोगों को बोलो कि भाई हमारे फॉर्म भर दो, सीटीपी कैटेगरी से हो, ओपन से 10th 12th करनी है, एडिशनल कैटेगरी से कोई, अगर क्वालिफाइड हो स्टिल आपको पेपर देना है, कोई एक पेपर का इंप्रूवमेंट करवानी है तो उसका फॉर्म भी निकला हुआ है सीटीपी के अंदर, उसका फॉर्म भी निकला, रीअपियरिंग हो फेल हो उस कैटेगरी में भी आप पेपर दे सकते हैं। सितंबर में अभी सारे के सारे फॉर्म्स की अपडेट आ चुकी है, तो कैफे में जाना है, देखना है आपका फॉर्म भर सकता है कि नहीं। कमेंट में कोई मत पूछना कि मैम ये वाली कैटेगरी फॉर्म भरेगा कि नहीं, जाओ उठो थोड़ा सा ट्राई करो, कैफे में जाओ, वहाँ पर उनको बोलो कि हमें फॉर्म भरना है ये वाला और भर दो, अगर आपका डाटा फिट आउट होता है तो वहाँ पर आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, नहीं होता तो वो रुक जाएगा, तो थोड़ा सा ट्राई खुद भी करना है, ठीक है। और धीरे धीरे अपडेट्स देती रहूँगी मैं, सीटीपी के पेपर की कुछ वीडियोज़ आएंगी तो टेंशन मत लो, ठीक है। चैनल पर बने रहो, सब्सक्राइब रखो और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।